नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं सिवसागर। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जा रहा है जो कि नौगांव से आ रहा है और मैं इधर से जा रहा हूं। हम लोग कहीं मिलेंगे दिमापुर के आसपास जाकर, फिर वहां से एक साथ हम लोग सिवसागर के लिए निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरी ट्रेन काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी दिमापुर, तो मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा दिमापुर में। उसके बाद मेरा दोस्त आया और हम एक साथ खाना वाना खाने के बाद सिवसागर के लिए निकल गए। अगर आप गुवाहाटी से सिवसागर आते हैं तो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा बस या ट्रेन, और अगर फ्लाइट से आते हैं आप तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोरहाट। सिवसागर आने के बाद हमने प्लान किया कि पहले तो हम तलातल घर जाएंगे, उसके बाद रंगघर जाएंगे जो कि आसपास ही है, और फिर देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है, बिकॉज सिवसागर इज़ नॉट अ प्लेस दैट यू कैन कवर इन अ डे। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना होगा कि हमारे पास कितना समय बचता है, एंड अकॉर्डिंगली विल गो। तलातल घर जाते समय रास्ते में हमें ये गोला घर मिला जो कि हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये एक स्टोर हुआ करता था जहाँ हथियार और बारूद वगैरह रखे जाते थे। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं तलातल घर। इस तलातल घर को कारेंघर भी कहा जाता है। हम लोग अभी जा रहे हैं कारेंघर की तरफ। ये मेरा दोस्त है। हाय। हमारे पीछे यहाँ कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं। हम भी देखेंगे हमें भी कुछ मिलता है कि नहीं यहाँ खाने को। पहले देख के आते हैं अंदर, उसके बाद खाना पीना। कैंपस के अंदर घुसते ही हमें ये तोप देखने को मिले। ये 300 साल पुराने तोप है। यहाँ की एंट्री फीस है 25 रुपीस पर पर्सन। स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 1751 से लेके 1769 के बीच में इस तलातल घर को बनवाया था। ये जो तलातल घर है जिसे कारेंघर भी कहा जाता है, यहाँ के हमें पता चला कि एक और कारेंघर है जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गौरगांव में स्थित है। पहले गौरगांव वाला कारेंघर जो है वही अहोम किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। बाद में उन लोगों ने अपना कैपिटल वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया। वैसे इस कारेंघर को रंगपुर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। Thank you.
यहाँ के लोगों से हमें पता चला कि तलातल घर एक्चुअली एक 7-स्टोरी बिल्डिंग है। ज़मीन के ऊपर 4 फ्लोर है और ज़मीन के नीचे 3 फ्लोर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ 2 सुरंग भी है। एक सुरंग जो कि 16 किलोमीटर्स लंबी है, इस वाले कारंगघर को गौरगांव वाले कारंगघर से जोड़ती है, और दूसरी वाली सुरंग निकलती है दिखौ नदी के पास, ऐसा हमें कहा गया। अनफॉर्चुनेटली वो सुरंग ना हम खुद देख सकते हैं ना आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। पहले काफ़ी लोग अंदर गए थे, अंदर भूल भुलैया हैं, वहाँ खो गए, कभी वापस नहीं आए लौट के। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी अंडरग्राउंड रास्ते थे उन्हें बंद कर दिया गया है। हमने अभी तक जितना भी देखा, जितना जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, यहाँ आप खुद नहीं आएंगे तो महसूस करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके आपको अच्छे से दिखाएं, पर एक विज़िट तो बनता है। तलातल घर से कुछ ही दूरी पर है रंगघर। ये एक 2-स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ तरह तरह के खेल जैसे कि कुश्ती, कॉक फाइट, बफेलो फाइट, ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते थे और राजा रंगघर में बैठ के उनका लुफ्त उठाते थे। रंगघर की एंट्री फी भी 25 रुपीज़ है पर पर्सन। रंगघर की चारों तरफ ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये असल में एक फील्ड हुआ करता था और इस फील्ड का नाम है रुपोही पठार। कमाल की इंजीनियरिंग है, 300 साल से खड़ी है ये इमारत, और इसमें कोई सीमेंट भी यूज़ नहीं किया गया। यहाँ असम में एक किस्म का चावल होता है जिसे बड़ा चावल कहते हैं, तो वो एक स्टिकी किस्म का चावल होता है, वो बोड़ा चावल और अंडे का यूज़ किया गया है ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। पीछे का नज़ारा भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। वी आर रियली एन्जॉइंग दिस प्लेस। रंगघर को ओरिजिनली बनवाया था अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने, पर वो बांस और लकड़ी से बनवाया गया था। बाद में उनके बेटे स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने इसे दोबारा ईंटों से बनवाया। दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट बिटवीन
1744 and 1750 AD. अब हम रंगघर के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ये है ऊपर जाने के स्टेयर्स। ऊपर आने के बाद एक चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ तो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं, मतलब हवा जो है इट स्टार्टेड रशिंग इन फ्रॉम ऑल साइड्स। कमाल का एक्सपीरियंस है। वो गाना है ना, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर। वैसे कहीं नहीं ले गई, और ऊपर से देखिए गार्डन का नज़ारा तो और भी सुंदर लग रहा है। एज ए होल वी रियली एंजॉयड कमिंग टू दिस प्लेस। आपको भी आना चाहिए और देखना चाहिए। यह है बोरपुखड़ी, जिसे हम आजकल सिवसागर टैंक के नाम से जानते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसका जो पानी का लेवल है वो हमेशा सेम रहता है। रानी अंबिका ने 1734 में इस टैंक को बनवाया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक ही रात के अंदर इस टैंक को खोदा गया था। हमें तो यकीन नहीं हुआ। 130 एकर्स 64 फीट डीप ये टैंक वॉज डग इन ए सिंगल नाइट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। सिवसागर टैंक के जस्ट सामने ही है शिवडोल। एसएमएस में डोल का मतलब होता है मंदिर, तो शिवजी का मंदिर यानी शिवडोल। यहाँ शिवडोल के साथ ही विष्णुडोल और देवीडोल भी है, जो कि विष्णु जी और देवी दुर्गा का मंदिर है। तीनों मंदिरों में शिवडोल सबसे बड़ा है और इसकी हाइट 104 फीट है। शिवडोल को भी बनवाया था रानी अंबिका ने 1734 में। मैं वापस आ गया। कैसा लगा आपको सिवसागर? हमें तो बहुत ही मज़ा आया। कुछ जगह छूट गई लेकिन कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। रॉन्ग बॉय बॉय।